नमस्कार, आप देख रहे हैं मिर्ची वेब सीरीज यूट्यूब चैनल। उल्लू अर्जुन का बहुत ही बढ़िया और रोमांटिक एक वेब सीरीज है अनाड़ी। एक लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा अनाड़ी था, मतलब कि पागल टाइप का सा था। उसके माँ ने बहुत ही ज्यादा परेशान थे उसको लेकर, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, हमेशा वो मतलब इस तरह से पागल की तरह हरकतें करते रहते थे। इसके लिए उसके माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन उसके माँ ने मतलब जब घर पे था, तब अचानक एक दिन सुबह देखा कि वो पड़ा हुआ है, सो पड़ा हुआ है, तो वो तुरंत वहाँ से उसको काम धंधा करने के लिए जाने के लिए बोल दिया। तब वो लड़का भी चला गया, लेकिन उसको कोई भी काम धंधा करने की मूड नहीं था। तो जाके उसके जो पड़ोसी एक अब औरत थी, वो उसके माँ को बोलने लग गई कि दीदी आप तुम्हारे जो बेटे है उसको शादी कर दो, तब भी जाके ये सारे कुछ मामला ठीक हो जाएगा। ये सुनते हुए उसका माँ ने ये बोलने लगी कि मेरे बेटे को कौन शादी करेगा, मतलब कि वो इस तरह से पागल जैसा है तो कौन शादी करेगा। तब जाके उस औरत ने बोली कि असल में एक चार लड़की का एक बहन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब फैमिली से है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो उनके साथ तुम शादी करा दो उनसे। तब जाके उसके माँ ने भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और एक दिन शादी तय हो चुके थे। तो उस सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, शादी के दिन सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तब सुबह उसके बहू को लेकर उसके बेटे ने आ चुके थे, और वो जो बहू थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। ये देखते हुए सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि एक पागल जैसा लड़के का इतना ज़्यादा खूबसूरत बहू भी होंगे वो कोई भी नहीं आशा की थी। लेकिन वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो इस मामले में खुश नहीं थे कि उसकी बीबी खूबसूरत है, वो बस अपने मतलब उसके शादी हो रहे हैं इसीलिए वो खुश थे। तो उसी के दिन मतलब कि उसके सारे दोस्त ने उसे घेर लिए और बोलने लगे कि शादी मतलब सुहागरात के दिन तुझे क्या करना है, तुझे पता है या नहीं। तब जाके वो लड़का मतलब बोल नहीं पाए थे कि क्या करना होता है। तब जाके उसके एक थरकी टाइप का दोस्त सारे कुछ उसे समझा दी थी। असल में वो अपने उस जो पागल टाइप का दोस्त मतलब लड़का है उसे मतलब अपने दोस्त की तरह ही देखते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो सारे कुछ बातें उसके साथ शेयर की। लेकिन वो पागल सारे कुछ सीख ली थी, मतलब कि वो सही है या फिर गलत है वो कुछ नहीं समझ पाई थी, लेकिन फिर भी वो सारे कुछ सीख ली थी। उसके दोस्त ने उसको मिसगाइड नहीं की थी, उसके दोस्त ने सब कुछ सारे मतलब सही ही बताए थे। तो सुहागरात के दिन मतलब कि रात में जब वो लड़की घर पे अकेली थी, तब उसके पति के इंतज़ार में थे, तब अचानक मतलब उसके पति के आने की आवाज़ें उसे उन्होंने सुन ली थी। तब वो अपनी साड़ी मतलब कपड़े उतार ली और सारे जो ज्वेलरी थे वो भी उतार दी, और उसके बाद उसके पति उसके मतलब पास में ही आके बैठ गया था। और ये देखते हुए उस लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो मतलब उसके जो पति है वो पागल टाइप का था तो सही, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला भी था, तो इसलिए उस जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तब वो लड़की उसको दूध दी, तो वो दूध मतलब पी ली। पीने के बाद उसके दोस्त ने जो सारे कुछ करने मतलब करने के लिए उसे बोले थे वो सारे कुछ एक एक करके करने लग गए थे, और इससे उसके बीवी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन उसके बीवी ये नहीं जानती थी कि असल में वो उसके मतलब माइंड में इस तरह से कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि उसके दोस्त ने ये सब मतलब कही थी, इसलिए ही वो ये सब कर रहा है, ये उसके बीवी को बिल्कुल ही पता नहीं था। तो काफ़ी टाइम तक वो इस तरह से मतलब सीन्स होते होते मतलब जब मतलब वो लड़का मतलब और भी कुछ नहीं कर पाए, तब जाके उसके बीवी ने उसको लात मार के मतलब नीचे गिरा दी थी। लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट के अगले कहानी में देखने वाला है कि उस घर पे रहने वाले और जो औरत थे उसके साथ भी उस जो पागल टाइप का लड़का था वो किस तरह मतलब भला होकर अपने संबंध जोड़ लेते हैं, और वो अपने बीवी को भी अब खुश करने लग जाता है, वो भी आप इस ऑब्जेक्ट के अगले कहानी में देखने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट के अगले कहानी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।